हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSSSC से जूनियर असिस्टेंट की आई वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, मोस्टली इस फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वहाँ से वीडियो देख के ईजिली फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये भी हम बताएंगे और फीस कितनी होगी ये सब आपको जानकारी के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना टाइम मुझे इस वीडियो को बनाने में लगता है शायद आपको लाइक करने में नहीं लगेगा, तो प्लीज लाइक ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 26 है और आवेदन शुल्क जमा करने की डेट भी 26 है और लास्ट डेट जो रखी गई है 20 जुलाई 2019 और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की भी 27 जुलाई 2019 है। गाइस, इसमें जो आप सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं बट रजिस्ट्रेशन रिलेटेड फोन नंबर जो होगा वो नहीं होगा, ईमेल नहीं होगा और आपकी कैटेगरी नहीं होगी, ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इसको फिल करना बहुत ही ध्यान से पड़ेगा आपको। और ये जो आवेदन है ऑनलाइन बेस सिस्टम पे होगा। सबसे पहले आप कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। फोटो साइज 5 से 30 के बीच में होना चाहिए। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैंने हर एक चीज को। ओके गाइस, एंड उसके बाद आप जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, मैंने उस पर भी बताया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर मैं इस पर ज्यादा कुछ बताता हूँ तो ये वीडियो लंबा ही होता चला जाएगा। बस ये याद रखिएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें 11 अंकों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा वो भी देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल सकते हैं, ये सब आपसे आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्म को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। देखो मैंने बताया भी था 5 से 30 के बीच में फोटो होना चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए या तो ग्रे होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको। फिर ये डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आगे फॉर्म को फिल करना रहेगा। ये जो वैकेंसी निकली वो ट्वेंटी वन सिटी से निकली हुई है, मैं आपको आगे ये सब बताऊंगा पूरा पूरा। इसमें जो फीस रखी गई है वो कुछ इस तरह रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 185 रुपए है, 160 रुपए आवेदन शुल्क है प्लस 25 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। पिछड़े वर्ग के लिए भी 185 रुपए रखी गई है और अनुसूचित जाति के लिए एससी कैंडिडेट के लिए 95 रुपए रखी गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 रुपए रखी गई है, किसी भी तरीके के विकलांग कैंडिडेट उनके लिए 25 रुपए रखी गई है। एक्स सर्विस मैन जो है उनके लिए भी ये मेथड 1 से 4 के बीच में जो है वही रहेगा, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का फॉर्म को देना पड़ेगा। एंड फिर आपको संशोधन करना होगा जब, तो मॉडिफाई करने के लिए ये आप रहेगा, आप 27 तक फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे फिर आप मॉडिफाई पे क्लिक चेक जब करेंगे तो उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप उसको फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1186 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और विभाग की बात करें जो डिपार्टमेंट है उनके, ये उनके डिपार्टमेंट रहेंगे परिवहन आयुक्त, ये वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज 187 टोटल कैटेगरी है, सॉरी टोटल पोस्ट है। परिवहन आयुक्त मुख्यालय हेड ऑफिस में 4 है, कमिश्नर ऑफिस में सर्वे कमिश्नर वाक में 44 है। इस तरीके की सारी वैकेंसी दी हुई है, ये आपको दिखा दूं। निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण मामले के जो होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वहां पे 60 हैं। निदेशक मुद्रण लेखन समाज, जहाँ पे मुद्रण लेखन होता है पूरा, मतलब करेंसी वो विभाग का, मतलब पूरा पेमेंट वेमेंट का पूरा देखा जाता है, वहां पे 66 है। निदेशक मात्स्य पालन का निदेशालय का जो हुआ वहां पे 10 है। एंड उप निदेशक मात्स्य सहायक निदेशक मात्स्यालय जो होता है मछली पालन ये जो होता है उनका ब्यौरा पूरा होता है वहां पे 29 है। एंड निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय वहां पे 1 है। कार्यालय प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण में 40 है। कार्यालय प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण में, ये वो आ था वो बात, मतलब ये ए है ये बी है, वहां पे 119 है। आबकारी आयुक्त में एक्साइज में 14 है। पिछड़ा वर्ग वाले जो हेड ऑफिस है कल्याण पिछड़ा वर्ग, वहां पे 72 है। दिव्यांग हेड ऑफिस में 33 है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 30 है। वसिक अधिकारी में 2 है। विद्युत सुरक्षा विभाग में 26 है। स्थानीय विधि लेखा परीक्षा विभाग में प्रयागराज में 125 है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय में 17 है। सहकारी समिति में पंचायती विभाग की जो होते हैं उसमें 18 है। राज्य निर्वाचन आयोग में 134 है। महानिदेशक पर्यटन विभाग में 17 है। जनसंपर्क संपर्क केंद्र में 14 है। समाज कल्याण विभाग निदेशालय में 20 है, 121। आयुक्त हथकरघा विभाग में कानपुर में 0 से 3 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1,186 वैकेंसी है। ओके गाइस, एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लगाना होगा। अब बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ट्रिपल सी, डुएक लोअल का ट्रिपल सी होना चाहिए, और 25 वर्ड हिंदी में टाइपिंग एंड 30 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इसके साथ इंटर इंटर के साथ 25 वर्ड हिंदी में टाइपिंग और 30 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग प्लस डुएक लेवल का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने अगर एनसीसी किया हुआ है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, और कहीं पे आप सेवारत रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा, पर वो 2 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम रखा गया है, वो जो ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में 42/05/2019 दिनांक 22 मई 2019 को आयोग की वेबसाइट पे, मतलब अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ था। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसका, तो उसमें पहले तो सीबीटी होगा, सीबीटी भी हो सकता है, लिखित परीक्षा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसमें। ये रहा आपका 11 मई 2015 से 2019 के बीच में जो नोटिस आई थी उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। फिर उसके बाद टंकल टेस्ट होगा, मतलब आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। जो अभ्यर्थी जनरल कंडीशन जो है आपकी, उसमें आपको ये सब जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का फॉर्म डालें, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की भी कंडीशन में बता दूंगा क्यों हो सकती है। कोई भी फॉर्म गलत, कोई भी चीज आप अनफिल मत छोड़िए, जो जो स्ट्राइक होता है जिसमें उसको तो फिल करना ही होगा। अब आपको मैं दिखा दूं इसके जो सर्टिफिकेट है,
एससी कैंडिडेट के जो सर्टिफिकेट है, ये अलग सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। पिछड़ा वर्ग वाले ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा। स्टेट सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा, आप वाले सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बिल्कुल सारे सर्टिफिकेट है स्वतंत्रता प्रभारी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।